दोस्तों, महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ था उसे श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से वेद और उपनिषदों के ज्ञान को अनूठी शैली में सार रूप में प्रस्तुत किया था। इस ज्ञान को गीता ज्ञान भी कहा जाता है। परंतु फ्रेंड्स, गीता के इस ज्ञान के अलावा भी प्रचलित है और भी कई गीताएं। जरूरी नहीं है कि गीता की तरह अन्य ज्ञान में भी गीता शब्द का ही प्रयोग किया गया हो। उनमें से कुछ तो महाभारत में ही है फ्रेंड्स, और कुछ महाभारत के अलावा अन्य ग्रंथों में हमें मिलती है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको उन्हीं के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हैं कि भगवत गीता के अलावा और कौन कौन सी गीताएं हैं। पहला है फ्रेंड्स, संजय और भगवान शिव जी की गीता। दोस्तों, उल्लेखनीय है कि गीता के ज्ञान को संजय की दृष्टि से सुनना या भगवान शिव जी की दृष्टि से सुनना बहुत ही अलग है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता को अर्जुन के बाद संजय ने ही सुनी थी। इस दौरान संजय न केवल गीता के ज्ञान को सुना रहे थे बल्कि वे युद्ध की स्थिति का भी वर्णन कर रहे थे। उसी तरह भगवान शंकर जब गीता सुन रहे थे तो उस दौरान माता पार्वती के मन में इस ज्ञान को लेकर कई सारे प्रश्न उठ रहे थे, जिस तरह की अर्जुन के मन में उठ रहे थे। अर्जुन के प्रश्नों का समाधान भगवान श्री कृष्ण ने अपने तरीके से किया, परंतु माता पार्वती के प्रश्नों का समाधान भगवान शिव शंकर ने अपने तरीके से करके एक अद्भुत गीता की रचना कर दी। इस तरह संजय और भगवान शिव से लेकर अब तक कई तरह की गीता को लोगों ने पढ़ा और समझा। दूसरा है फ्रेंड्स, अनुगीता। दोस्तों, यह गीता भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ही दिया गया वह ज्ञान है जो युद्ध के बाद दिया गया था। यह ज्ञान उस वक्त दिया गया था जब पांडव हस्तिनापुर में राज कर रहे थे। तीसरा है फ्रेंड्स, यक्ष प्रश्न। दोस्तों, यक्ष और युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद को यक्ष प्रश्न कहा जाता है। यह भी गीता की तरह ही विख्यात है। भारतीय इतिहास ग्रंथ महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद नाम से एक बहुचर्चित प्रकरण है। संवाद का विस्तृत वर्णन वन पर्व के अध्याय 312 से 313 में दिया गया है। यक्ष ने युधिष्ठिर से लगभग 124 सवाल किए थे। यक्ष ने सवालों की झड़ी लगाकर युधिष्ठिर की परीक्षा ली। अनेकों प्रकार के प्रश्न उनके सामने रखे और उत्तरों से संतुष्ट हुए। अंत में यक्ष ने 4 प्रश्न युधिष्ठिर के समक्ष रखे, जिनका उत्तर देने के बाद ही उन्होंने मृत पांडवों अर्थात अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को जिंदा कर दिया था। यह सवाल जीवन, संसार, सृष्टि, ईश्वर, प्राकृतिक, नीति, ज्ञान, धर्म, स्त्री, बुराई आदि अनेकों विषयों से संबंधित थे। तीसरा गीता है फ्रेंड्स, विदुर नीति। फ्रेंड्स, महाभारत की कथा के महत्वपूर्ण पात्र विदुर को कौरव वंश की गाथा में विशेष स्थान प्राप्त है। विदुर हस्तिनापुर राज्य के शीर्ष स्तंभों में से एक अत्यंत नीतिपूर्ण, न्यायोचित सलाह देने वाले माने गए हैं। उनके और धृतराष्ट्र के बीच जो भी संवाद हुए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा है फ्रेंड्स, भीष्म नीति। दोस्तों, भीष्म और युधिष्ठिर संवाद हमें भीष्म स्वर्गारोहण पर्व में मिलता है, जिसे भीष्म नीति के नाम से जाना जाता है। इसमें केवल 2 अध्याय 167 और 168 हैं। इसमें भीष्म के पास युधिष्ठिर का जाना, युधिष्ठिर की भीष्म से बात, भीष्म का प्राण त्याग, युधिष्ठिर द्वारा उनका अंतिम संस्कार किए जाने का वर्णन है। पांचवा गीता है फ्रेंड्स, पराशर गीता। दोस्तों, महाभारत के लेखक वेद व्यास के पिता ऋषि पराशर हैं। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद में युधिष्ठिर को भीष्म राजा जनक और पराशर के बीच हुए वार्तालाप को प्रकट करते हैं। इस वार्तालाप को पराशर गीता नाम से जाना जाता है। इसमें धर्म कर्म संबंधी ज्ञान की बातें हैं। दरअसल शांति पर्व में सभी तरह के दर्शन और धर्म विषयक प्रश्नों के उत्तर का विस्तृत वर्णन मिलता है। छठा है फ्रेंड्स, व्याध गीता। इस गीता में मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को ज्ञान देते हैं। यह गीता भी महाभारत का हिस्सा है। सातवां है उद्धव गीता। दोस्तों, उद्धव गीता भागवत पुराण का हिस्सा है। यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अपने सौतेले भाई उद्धव को देते हैं। इसे हंस गीता भी कहा जाता है। इसमें लगभग 1000 से अधिक छंद हैं। आठवां है गुरु गीता। दोस्तों, यह महाभारत के रचयिता वेद व्यास द्वारा लिखे गए स्कंद पुराण का हिस्सा है। इसमें भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को गुरु का अर्थ और महत्व समझाते हैं। नौवां है गणेश गीता। दोस्तों, यह गीता गणेश पुराण के कीड़ा खंड का हिस्सा है। इस गीता में भगवान गणेश जी गजानंद का रूप धारण करके वर्णेय नामक राजा को ज्ञान देते हैं। दसवां है फ्रेंड्स, अष्टवक्र गीता। फ्रेंड्स, यह माता सीता के पिता जनक और ऋषि अष्टवक्र के बीच हुए संवाद पर आधारित है। अष्टवक्र ऋषि भगवान राम के काल में हुए थे। ग्यारहवां है राम गीता। जब लक्ष्मण जी अयोध्या से माता सीता को वाल्मीकि जी के आश्रम के वन में छोड़कर आते हैं तो ये बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। तब भगवान श्री राम जी उन्हें सत्वावना देते हैं। भगवान श्री राम के इन्हीं प्रवचनों को
राम गीता कहा गया। और बारहवां है फ्रेंड्स अवधूत गीता। दोस्तों यह गीता भगवान दत्तात्रेय के प्रवचन के रूप में संकलित है। इसमें नाथ परंपरा के प्रथम गुरु सत्य को गाकर समझाते हैं। तो दोस्तों यह थी जानकारी कि भगवत गीता के अलावा और भी कितनी गीताएं हैं। दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।